हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल RSGO24 की लेटेस्ट अपडेट और ट्रेनिंग के लिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि कोई भी यूजफुल वीडियो मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना कौशिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि RSGO24 डिसेंट्रलाइज में जो हमको वोकन टोकन मिलता था एडव्यू की अर्निंग से, वहाँ पर अब नया टोकन आ चुका है CRA टोकन करके। बहुत ही ज़बरदस्त और गुड न्यूज़ है फ्रेंड्स। तो अब हमको एडव्यू के पैसों से मिलेगा CRA टोकन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो CRA टोकन कैसे बाय करना है, CRA टोकन की आईडी कैसे लगानी है, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लेकिन सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि RSGO का सारे वीडियो आपको सिंपल लैंग्वेज में मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखे ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो फ्रेंड। और शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पर देखते हैं ऊपर मेनू में। यहाँ पर देख सकते हो मैनेज ब्लॉक में हम जाएंगे तो पहले यहाँ पर वोकन टोकन हुआ करता था, अब यहाँ पर CRA टोकन आ चुका है। यहाँ पर CRA टोकन, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो CRA टोकन की आईडी यहाँ पर आपको बनाकर डालनी होगी। तो कैसे CRA टोकन की आईडी बनानी है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आईडी बनाकर फिर ला देना है, फिर इसको विड्रॉल हम ले सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में, ट्रस्ट वॉलेट में जाना है। मैं ट्रस्ट वॉलेट अपना ओपन कर लेता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में जाके इसकी आईडी बनेगी, जैसे हमारी आईडी पहले बनी हुई थी, वैसे ट्रस्ट वॉलेट में हमारी ये CRA टोकन की आईडी बनेगी, ठीक है। तो ट्रस्ट वॉलेट में आपको ओपन कर लेना है। जैसे ट्रस्ट वॉलेट ओपन हो जाता है, आपको ट्रस्ट वॉलेट के अंदर क्या कर रहे हैं मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है, यहाँ पर देख सकते हो व्हाट्स न्यू आया है। मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्राउज़र में जाना है, नीचे जो ब्राउज़र है, यहाँ जो ये दिख रहा है ब्राउज़र नीचे, बिल्कुल ब्राउज़र, वहाँ पर आपको जाना है। ब्राउज़र पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर सर्च करना है CryptoCRA.com, ठीक है। क्रिप्टो ये याद रखिएगा, CryptoCRA.com फिर सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको CryptoCRA.com लिखकर आप जैसे ही सर्च करोगे तो यहाँ पर CryptoCRA.com का पूरा पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर। और उसमें आपको क्या करना है, एक मैंने इसमें साइन अप करने के लिए भी एक आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करना है और एक रेफरल कोड दिया है, वो रेफरल कोड से आपको साइन अप करना है, ठीक है। यहाँ पर साइन अप और साइन इन लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर साइन अप पे क्लिक कर देते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए कनेक्ट वॉलेट फॉर लॉगिन, हमने लॉगिन नहीं किया अभी, हमको रजिस्टर करना है तो हमको यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आपको जो मैंने स्पॉन्सर आईडी दिया है वो स्पॉन्सर आईडी आपको डाल देना है। मेरे पास जो स्पॉन्सर आईडी है वो मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पर कनेक्ट एंड रजिस्टर पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, कनेक्ट एंड रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कनेक्ट DAP आया है, कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। प्लीज यूज BSC स्कैन मिनट, यहाँ पर ऊपर तीन बिंदी दिख रही है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। BNB स्मार्ट चेन सिलेक्ट कर लेना है, कनेक्ट रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, अब ओके पे क्लिक कर देना है। अब हमको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, ठीक है। नीचे जो लॉगिन का है वो यहाँ पर, तो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। जैसे लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो अपना जो CRA है वो कनेक्ट वॉलेट फॉर लॉगिन, यहाँ पर देखिए कनेक्ट वॉलेट फॉर लॉगिन आया है। तो यहाँ पर सिग्नेचर रिक्वेस्ट आया है, मैंने साइन कर दिया है। यहाँ पर साइन कर देना पड़ेगा, फिर आपका पासवर्ड आएगा, ठीक है। उसको डाल देना है, जो आपका ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड होता है वो यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर देखिए मेरा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको CRA का पूरा डिटेल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो बोला था स्पॉन्सर आईडी, वो आपको ये डाल देना है यहाँ पर, ये वाला स्पॉन्सर आईडी CRA4317239 वाला आपको यहाँ पर डाल देना, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका CRA का पूरा बन चुका है। चलिए हम उसको विड्रॉल कैसे लगाते हैं और कैसे इसको बाय करेंगे इसकी प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको जाना है यहाँ पर अपने डिसेंट्रलाइज में, यहाँ पर अब मैनेज वॉलेट में जाना है, ट्रांसफर टू CRA टोकन वॉलेट में जाना है। यहाँ पर आपको अपनी एंटर CRA टोकन की आईडी डाल देनी है यहाँ पर। तो मैं यूज़र आईडी अपना जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर एंटर शेयर टोकन आईडी, यहाँ पर मैंने अपनी आईडी पेस्ट कर दी है, मैं आईडी को अपडेट कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए मेरी आईडी यहाँ पर आ चुके है, शेयर टोकन आईडी अपडेटेड सक्सेसफुल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, मैनेज वॉलेट पर जाना है, ट्रांसफर टू शेयर टोकन वॉलेट पर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम $15 आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, मेरे पास बैलेंस वॉलेट में 176.97 पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर एंटर अमाउंट कर देता हूँ, 176 कर दूँगा, 176। ठीक है, यूजेबल बैलेंस वॉलेट 140, अमाउंट पेएबल यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा मैं $35.20। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड एक बात खास समझ लीजिए, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको 80% है वो आपका जो बैलेंस वॉलेट है वो यूज़ होगा। ठीक है, और 20% आपको यहाँ पर कैश पेमेंट करके ये टोकन बाय करने होंगे। मान लीजिए यहाँ पर मेरे 178.17 बैलेंस पॉइंट है, तो उसमें से मेरे 80% बैलेंस वॉलेट अमाउंट यूज़ होगा और बाकी का जो है वो मेरा मुझे कैश पे करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर देखिए 142 मेरे डॉलर जो है वो बैलेंस वॉलेट में यानी कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट में से यूज़ हो रहा है और बाकी का मुझे पेमेंट पे करना है। तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपको देखिए मुझे $35 यहाँ पर पे करना है। फिर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो कंपनी का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको उतने डॉलर का रुपीज़ डायरेक्टली यहाँ पर देख लेते हैं पेबल ऑनलाइन, यहाँ पर इतना आ जाएगा, कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक कर देना है तो आपका जो गेटवे है ओपन हो जाएगा और उतने रुपये आपके वॉलेट में से डिडक्ट हो जाएंगे और आपको उतने CRA टोकन मिल जाएंगे फ्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप CRA टोकन बाय कर सकते हो।